5-year-old बालाजी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर सीरीज के पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कोड एम सीजन 2 के बारे में, डिस्कस करेंगे उसकी सारी अपडेट्स को लेकर, तो बात करेंगे हम उसकी स्टोरी, स्टारकास्ट, रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। कोड एम जो कि इंडियन मिस्ट्री ड्रामा टाइप सीरीज होने वाली है, उसे प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने और उसे डायरेक्ट किया है अक्षय चौबे ने। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टोरी की। सैन्य वकील मोनिका मेहरा ने अपने गुरु कर्नल सूर्यवीर चौहान का नाम लिया। सीट सेना के अधिकारी और दो आतंकवादी संदिग्धों का सामना करने के लिए एक खुले और बंद मामले की तरह लग रहा है। जैसे कि मोनिका अपनी जांच आगे शुरू करती है, तथ्य सामने आता है और मामला मुठभेड़ के बजाय हत्या का निकलता है। फ्रेंचाइजीज का सीजन 2 सभी रिकॉर्ड तोड़ने से कुछ महीने दूर है। जेनिफर विंगेट मेजर मोनिका मेहरा वापस आ गई है और उनकी प्राथमिकताएं अभी तक नहीं बदली है। यह हमेशा परिवार से ऊपर अपना राष्ट्र रखा करती है। मेजर मोनिका मेहरा कोड एम सीजन 2 में अपनी कार्यवाही के साथ वापस आ रही है, जो जल्द ही उन्हें अल्टबालाजी और Z5 प्रीमियम कोड एम सीजन 2 फिल्मिंग बैगिंस पर अपनी यात्रा देखने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने सीजन 2 की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन जारी किए गए प्रोमो के अनुसार यह कहानी की तरह है जो वास्तविक जीवन की घटना के आसपास घूमती हुई सैनिक कहानी है, जो मोनिका वर्मा के रूप में जेनिफर विंगेट द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। हम एक रोमांचक कहानी और सबसे घातक घटनाओं को देखेंगे, जहां मोनिका वर्मा यानी कि जेनिफर विंगेट को अपने परिवार, व्यक्तिगत जीवन, समय और विभिन्न अन्य चीजों सहित कई चीजों का त्याग करना होगा, ताकि हमारे देश के डाकू से सुरक्षित रखा जा सके। सीजन 1 हमने एक कहानी देखी है जो मोनिका मेहरा के आसपास घूमती है, जो एक प्रसिद्ध सैन्य वकील है। वह जल्द ही शादी करने जा रही है, लेकिन इस बीच उसे एक ऐसे मामले का खुलासा करने का प्रस्ताव दिया गया है जो सेना के एक अधिकारी की संदिग्ध हत्या का है। उसके अधिकांश सहकर्मी सलाह देते हैं कि वह मामला सिर्फ इसके लिए छोड़ दे, क्योंकि यह आसान और सुलझा हुआ है, लेकिन यह जो दिखता है उससे अपेक्षाकृत अलग है। जैसे जैसे वह मामले की गहराई से पड़ताल करती है, उसे कुछ चौंकाने वाली सच्चाइयों के बारे में पता चलता है और वह अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। जब तक कि वह उससे पीछे की वास्तविकता को पकड़ नहीं लेती और अंत में उसने पाया कि उस सेना के अधिकारी के साथ कभी कोई मुठभेड़ नहीं हुई, यह पूर्व नियोजित हत्या थी जो मुठभेड़ में बदल गई। इस सभी मर्डर मिस्ट्री के पीछे कर्नल चौहान मुख्य अपराधी है। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टार कास्ट की। उसकी स्टार कास्ट में हमें जेनिफर विंगेट, रजत कपूर, तनुज वीरवानी और आयुष श्रीवास्तव देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे उसकी रिलीज डेट की। तो दोस्तों, इसकी रिलीज डेट के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन शायद यह हमें अक्टूबर 2021 में देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।